क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी, आज हम विज्ञान का यानी साइंस का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर समझेंगे। अच्छे से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। अच्छे से मैं समझाऊंगा ताकि आपको आधे से ज्यादा चीजें यहीं पर याद हो। चलिए, तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? नमक नहीं है। देखिए, ऊर्ध्वपाताज पदार्थ कौन होता है? जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, तो बाकी सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन हमारा जो नमक है वो नहीं बदलता। बोरान, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातुएं। और उपधातुएं उन धातुओं को हम कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण सम्मिलित हो, उन्हें हम कहते हैं उपधातु। एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। अब अगला प्रश्न जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे अब कंफ्यूज भी होते हैं और हंसते हंसते गलत करके आते हैं ना, ठीक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहां पर बोल रहा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। अब बच्चे से समझते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, तो भाई साहब रॉबर्ट ओकली बोल देते। तो ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, है ना, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और उसके भीतर केंद्रक और केंद्रिका किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा आप। तो ये कंफ्यूज करने के हिसाब से बहुत बार पूछता है ये प्रश्न। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो पौधों में जल, जैसे जल और जैसे जाइलम, ठीक है। तो पौधों में जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। क्या कहलाती है? वेग। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है, वो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्युलोज की। देखो, स्थायी ऊतक की प्रथम स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। हो गया इतनी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी को ध्यान से समझना है। तापमान का जो मात्रक है वो है केल्विन। क्या है तापमान का मात्रक? केल्विन। जेल जेली पनीर मक्खन हो जाएगा। कार्बन का संकेत हो जाएगा सी, ठीक है। केंद्रक केंद्रक हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तीन अवस्थाओं में विद्यमान है। द्रव्य का मतलब समझते हो आप? पदार्थ। यहाँ पर द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों को मिला दे तब द्रव्य बनेगा, ठीक है। यानी पदार्थों को कहते हैं अपन द्रव्य। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन, और अंतराफसलीकरण आ जाएगा। सत्य सत्य की बात हम करें तो यहां से देखो, कोलाइड जो है ना, एक तरह का विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है? विषमांगी। और ये बोल रहा है समांगी, तो यहां पर ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता नहीं, 4u होता है। कितना होता है? 4u। इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई। बल जो है अदिश राशि, गलत है, क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है, ठीक है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल, ठीक है। उनको छानने की विधि के द्वारा फिल्टर पेपर से ये निलंबन के कण नहीं निकलते। और द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। देखिए, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रवों का, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी गलत। अगला देखिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में कोई दो को उदाहरण सहित।
पदार्थ से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिएगा, कैथोड किरणों के कोई दो गुण लिखिए, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखना, आपको रंध्र के कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन मेरी जवाबदारी, आप तो बड़े ही ध्यान से और अच्छी मेहनत से देखिए। इसके बाद में अपन देखिए सेट बी भी समझेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ, सेट सी भी समझेंगे और सेट डी भी समझेंगे। ये ऐसे पेपर है ना जो आपको टॉपर बनाने में बिल्कुल हेल्पफुल मदद करेंगे। अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ये जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट देखिए, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक जो थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, अपना वार्षिक है, तो वार्षिक में पूरी मेहनत लगा दो आप, और मैं कराऊंगा आपको बिल्कुल तैयारी, टोटल रहो। ठीक है, केवल आप तो जितना बता रहा हूं उतने कंप्लीट करते जाओ, और कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत है। सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आएगा ना। घर्षण, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नेतांक जी में अंतर बताना है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, हरी खाद क्या है इसके लाभ, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चाल और वेग में अंतर लिखिएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर कोई चार, अनुप्रस्थ और अनुदैर्य तरंगों में अंतर बताना है। तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे। कितने भैया? 23 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। आपको निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतने आप तो कंप्लीट करते जाओ और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।